साक्षात्कार भगवान शिव ज्योति स्वरूप परमात्मा निराकार है। तीन लकीर अर्थात ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी तीनों का रचेता है शिव बाबा। इसलिए आप उस चित्र में देखिए ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी तीनों का रचेता भगवान शिव निराकार, ऊपर में देखिए लाइट है शिव बाबा ज्योति स्वरूप प्रकाश है ना। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि तीनों का रचेता इस चित्र में आप देखिए ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी तीनों का रचेता भगवान शिव बाबा जो ज्योति स्वरूप है प्रकाश और लाइट है। देवों का ही देव महादेव हम इनको कहेंगे। परमात्मा शिव बाबा स्वयं आकर के ब्रह्मा तन के द्वारा नई दुनिया सत्य की स्थापना का कार्य करते हैं, विष्णु के द्वारा पालन का कर्तव्य कराते हैं, शंकर जी के द्वारा महाविनाश का महापरिवर्तन कराते पूरी दुनिया। स्वयं भगवान शिव आकर के इस सत्य ज्ञान दे रहे हैं। इस सत्य ज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, युग परिवर्तन अचानक होगा, इसलिए भगवान के लिए कहते हैं कोटो में कोई और कोई में ही कोई मुझे पहचानते हैं, है ना। तो भगवान को सत्य ज्ञान जानने के लिए हम सभी इस प्रांगण में पधारेंगे, तभी तो आपको मिलेगा ना सत्य ज्ञान। भगवान आपके घर जाकर के तो नहीं देंगे ना आपको ज्ञान, दुनिया में कहते भगवान किस ना किस रूप में आ जाएंगे और हमें सत्य ज्ञान देंगे, वरदान देंगे। तो भगवान तो साक्षात आप सभी के इस मोहल्ले में अपना विद्यालय खोल कर रखे हैं, जो जानकार बात होंगे जो पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे उन्हीं को तो ये अच्छा सत्य ज्ञान मिलेगा ना। इसलिए एक घंटा आप समझिएगा, इसका भी डिटेल्स आप समझेंगे। ब्रह्मा जी विष्णु जी शंकर जी तीनों का रचेता है शिव बाबा, इसलिए हम सभी शिवलिंग में बिंदी देते और तीन लकीर देते हैं। रोज एक घंटा ज्ञान सुनेंगे तब समझ में आएगा। क्या बच्चा एक दिन स्कूल जाएगा तो वो सब बात समझ जाता है क्या पढ़ाई है ना। ये भगवान का विद्यालय है, यहाँ रोज एक घंटा आपको पढ़ाई पढ़ना होगा और रोज गीता ज्ञान यहाँ दिया जाता है। एक घंटा समय निकाल करके आप आइए और ज्ञान सुनिए। इसलिए भगवान शिव बाबा आकर के परिचय दे रहे हैं कि बच्चे मैं इस दुनिया को कैसे स्वर्ग बनाता हूँ, सत्य की दुनिया बनाता हूँ। बैठ जाइए माता बहने सब आगे बैठ के चले जाइए। तो आप देखिए कि भगवान शिव बाबा देवों का भी देव महादेव है। भगवान शिव बाबा देवों का भी देव महादेव है। आप इस चित्र में देख लीजिए कि शिव बाबा ही है। आप देखिए सबसे गौर कर रही बात है माता सर, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए हम लोग क्या कहते हैं, शिव मंदिर कहते हैं, शिव मंदिर कहते हैं ना, शंकर मंदिर को कभी नहीं कहते। ये शंकर जी का जो मंदिर तो नहीं कहते शंकर मंदिर ने ना, क्या कहते हम सभी, शिव मंदिर। सारा महिमा सारा आराधना सारा पूजा पाठ आराधना भक्ति में हम सभी जो भी करते हैं हम शिव का करते हैं, ना कि शंकर जी का करते हैं। जितने भी मंदिर हम सभी का सनातन धर्म में, शिव काशीनाथ विश्वनाथ गंगा कहते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा, शिव की जितनी भी नगरी बनारस पूरा जो भरा हुआ शिव के मंदिर से भरा हुआ है, भरा हुआ है कि नहीं। हर गांव में कोई मंदिर हो या नहीं हो शिव का मंदिर अवश्य होता है। क्यों? क्योंकि शिव ही सृष्टि का कर्ता धर्ता है, शिव ही पूरी दुनिया का पालन करता है स्थापन करता है, शिव अनादि है शिव अनंत है और हम शिव बाबा की संतान है। वो स्वयं आकर के हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास सत्य ज्ञान सुनने का फुर्सत नहीं है तो भगवान आपको कैसे मिलेंगे। स्वयं भगवान आकर के ही अपना परिचय देते हैं, वो जो है जैसा वो खुद का परिचय खुद ही देते हैं, उनका सत्य परिचय कोई भी नहीं दे सकते। हाँ जो बच्चे उनसे ज्ञान सुने वो तो आपको बता सकते हैं ना भगवान का मार्ग, तो हम सभी उनसे रोज ज्ञान सुनते हैं भगवान शिव से डायरेक्ट ज्ञान, तो आपको हम बता रहे हैं कि भगवान शिव बाबा कौन है, किस प्रकार आकर के ज्ञान देते हैं, शिव बाबा से शक्ति वरदान कैसे प्राप्त करेंगे ये